हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। मैं रश्मि स्टाइलिश ब्यूटी। आज हम फिर से स्किन केयर पे वीडियो लेकर आए हैं कि आपकी स्किन पे फाइन लाइंस, रिंकल्स के निशान है, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन, झुर्रियाँ, छाए के निशान है, सनटैन की प्रॉब्लम है। आप तरह तरह के क्रीम और रेमेडीज लगा के थक चुकी हो, फिर भी स्किन के जो प्रॉब्लम से दूर नहीं हो रहे, तो आज हम एक ऐसा होममेड रेमेडी लेकर आएँ आपकी स्किन को इंस्टेंटली वाइटन करेगा। आपका स्किन बहुत ही ज़्यादा फेयर हो जाएगा, आपका स्किन बिल्कुल ग्लास स्किन की तरह चमकने लगेगा। ये रेमेडी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, आपकी स्किन पे जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको दूर करेगा। आपका स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, आपकी स्किन को बिल्कुल स्पॉटलेस और ग्लोइंग बनाएगा। इस रेमेडी को कैसे बनाना है और कैसे अप्लाई करना है, तो चलिए हम आगे इस वीडियो में देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह का एक बॉल लेंगे, इसमें हम एक चम्मच कॉफ़ी पाउडर लेंगे। स्किन पे फाइन लाइंस, रिंकल्स के निशान है, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम है, सनटैन की प्रॉब्लम है, तो कॉफ़ी पाउडर उसको रिमूव करने में हेल्प करता है, स्किन को फेयर बनाता है, ग्लोइंग बनाता है। तो यहाँ पे हम एक चम्मच कॉफ़ी पाउडर ले लेंगे। नेक्स्ट आता है आधा कटा हुआ टमाटर, तो यहाँ पे हम इसका रस निचोड़ लेंगे इस तरह से। टमाटर में विटामिन सी पाई जाती है जो स्किन को ब्लीच करने का काम करता है, स्किन के दाग धब्बे को लाइटन अप करता है, स्किन को फेयर बनाता है। नेक्स्ट लेंगे हम मिल्क, तो यहाँ पे हम कच्चा मिल्क लेंगे आधा चम्मच, ये स्किन को सॉफ्ट बनाता है। अब इन सबको एक स्पून की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसका स्मूथ पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। इस तरह से हमें अच्छे से मिक्स करना है। मसाज क्रीम बन के रेडी हो चुका है, तो चलिए इसे हम अप्लाई करके दिखाते हैं कि किस तरह से इसे अप्लाई करना है। इस तरह से पूरे फेस पे क्रीम अप्लाई कर लेना है। इसके बाद 15 से 20 मिनट के लिए मसाज करना है, बिल्कुल सर्कुलर मोशन में मसाज करना है, ज़्यादा रगड़ते हुए नहीं करना है और बहुत ही अच्छे से मसाज करना है। जितने अच्छे से आप मसाज करोगे आपकी स्किन पे उतना ही अच्छा ग्लो आएगा। ये रेमेडी आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। आपकी स्किन पे जितने भी दाग धब्बे के निशान हैं, सनटैन की प्रॉब्लम है, फाइन लाइंस, रिंकल्स के निशान है, पिगमेंटेशन, झुर्रियाँ, छाया के निशान है, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम है, उसको रिमूव करने में हेल्प करेगा, आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा फेयर बनाएगा। अगर कहीं तुरंत जाना है शादी पार्टी में, टाइम नहीं है पार्लर में जाके फेशियल कराने का, स्किन पर ग्लो नहीं है, तो आप घर पर बैठे बैठे इस रेमेडी को बना के अप्लाई कर सकते हो। आपकी स्किन पर इंस्टेंट ग्लो लाएगा, आपका स्किन बहुत ही ज़्यादा फेयर हो जाएगा। इस ये रेमेडी अगर अप्लाई कर लेते हो ना, ये पार्लर में जाके महंगे से महंगे फेशियल कराना भूल जाओगे। ये फेशियल को भी टक्कर देने वाला है, आपकी स्किन पे जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको दूर करेगा, आपका स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लो करने लगेगा। किसी भी समय इस रेमेडी को अप्लाई कर सकते हो, जब भी टाइम मिले इस रेमेडी को बना के अपने फेस पे अप्लाई करें। हफ्ते में 3 बार, एक ही बार के अप्लाई करने से आपकी स्किन पे बहुत ही अच्छा फ़र्क देखने को मिलेगा। इस रेमेडी को हफ्ते में 3 बार ज़रूर अप्लाई करें, आपकी स्किन पे बहुत ही लंबे टाइम तक ग्लो रहेगा, चमक रहेगा, स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। अगर चेहरे का स्किन लूज़ हो गया है तो उसे भी टाइट करेगा, आपका स्किन इसी तरह से लंबे टाइम तक ग्लो करेगा। आपको फेशियल और मसाज कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मसाज हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसको वॉश नहीं करना, इसे हम एज अ पैक की तरह 10 मिनट के लिए ड्राई होने देंगे। इसके बाद हम वापस से फिर से मसाज करेंगे। यहाँ पे सूख चुका है, अब हम यहाँ पर कच्चा मिल्क लेंगे 2 चम्मच। अब इसमें हम कॉटन लेंगे, इसे मिल्क में डिप करेंगे। इसी तरह से पूरे फेस पे हम मिल्क को अप्लाई करेंगे। जो पैक हमारा ड्राई हो गया है तो हमें मसाज करना है, तो थोड़ा सा इसे हमें गीला करना है इस तरह से। आप चाहे तो रोज़ वाटर से भी मसाज कर सकते हो। इस तरह से पूरे फेस पे मिल्क को अप्लाई कर लेंगे। अब इसके बाद 5 मिनट के लिए और मसाज करना है, इस तरह से बिल्कुल सर्कुलर मोशन में। मिल्क से मसाज करने से क्या होता है, हमारा स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होगा, स्किन पे ड्राइनेस नहीं रहेगी। विंटर्स में स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाता है, स्किन बहुत ही ज़्यादा रूखा सूखा हो जाता है, फटने लगता है, इसीलिए हम मिल्क से मसाज करेंगे ताकि स्किन सॉफ्ट रहे।
मसाज हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसे हम आप सबके सामने एक गीले टॉवल से रिमूव करके दिखाएंगे, बिल्कुल लाइव रिजल्ट। आप सब देख सकते हो मेरे फेस पे कितना अच्छा ग्लो आया है। आप सबके सामने ही रिमूव करके दिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा है मैंने बहुत ही महंगा कोई फेशियल कराया है। मेरा फेस बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है, मेरे फेस पे कोई भी दाग धब्बे के निशान नहीं है। अगर आप भी इसी तरह से ग्लो स्किन पाना चाहते हो, फेयर स्किन पाना चाहते हो और स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हो, तो इस रेमेडी को हफ्ते में 3 बार ज़रूर अप्लाई करें। आपका स्किन भी बिल्कुल लंबे टाइम तक इसी तरह से ग्लो करेगा, आपकी स्किन पे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं धीरे धीरे करके रिमूव होने लगेगा। ये रेमेडी आपकी स्किन पे बिल्कुल मैजिक की तरह काम करेगा। अगर ये मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह से और भी वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, सी यू।